अच्छा ठीक से बैठिए ना। हे भगवान, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, जाके देखो। कौन है? क्या मुसीबत है? बहुत दर्द हो रहा है। वो क्या कह रही है? अरे वो लड़की 13-14 साल की है, पेट से भी है और दर्द से चिल्ला रही है। पेट से है तो मदद कर देते हैं। उसके गले में मंगलसूत्र भी नहीं है। मैं तो उसकी मदद नहीं करूंगी बाबा, खामखा मुसीबत क्यों बोल ले। लेगा अपनी माँ को माफ कर देना बेटे, माफ कर देना। पता नहीं किसका बच्चा है। अरे बच्चा, सूर्या माँ जी, मेरी अपनी माँ ने मुझे ऐसे बेसहारा क्यों छोड़ दिया? जैसे लोग कूड़े को बेकार समझकर कूड़ेदान में फेंकते हैं, उसी तरह मेरी माँ ने मुझे भी फेंक दिया। मैंने ऐसी क्या गलती की थी? रो मत मेरी बेटी, दिल छोटा मत कर सुनिए।
हमारे घर में खुशियाँ आई है बेटा, मेरा परिवार आज खुश है। मेरा आशीर्वाद है तुम 100 साल जियो। मेरा बेटा पता नहीं कहाँ है, वो किस हाल में होगा। जी बताऊं सूर्य ने आज क्या किया? वो बाजार वाला रामनाथ है ना, उसकी मार मार के हड्डियां तोड़ दी। ए, भागो यहां से। क्यों मारा पूछो? उस रामनाथ ने क्या किया पता है? इधर आ, क्या हुआ था दादी को बता। इसने रामनाथ से ब्याज पर पैसे लिए थे, हर महीने ये ब्याज भरता था, सिर्फ इसी महीने नहीं भर पाया, इसके लिए उसने क्या कहा पता है? तू बताओ। मेरा लड़का बीमार हो गया, उसकी बीमारी और दवा दारू में सब पैसा खर्च हो गया। रामनाथ ने क्या कहा बता? तू पैसे नहीं देगा तो चलेगा, तू बेटे का इलाज करा, लेकिन एक बात सुन, जब तक तू ब्याज का पैसा नहीं चुकाएगा तेरी बीबी मेरे पास रहेगी।
उसके बाद उसने मेरे बीबी के बाल पकड़ कर घसीटते हुए ले गया। अब रो मत। सब लोग तमाशा देख रहे थे वहाँ। किस लिए जानते हो? किस लिए? क्योंकि वो अन्ना का आदमी है। वो अन्ना का आदमी है तो कुछ भी करेगा। क्या बोलो, क्या कर लेगा अन्ना? हाँ, अन्ना कोई भगवान है क्या? हाँ भगवान है। हमारे अन्ना के मन में गरीबों के लिए बहुत इज्जत है। वो गरीबों की दिल से मदद करते हैं। अगर मैं सच कहूँ तो अन्ना हमारे लिए भगवान है। पता है, आज तक कोई भी सरकार जो काम नहीं कर पाई वो हमारे अन्ना दादा ने हमारे लिए कर दिया। और तो और, उन्हीं की दया से हमारे परिवार का खर्चा चल रहा है। और क्या, कोई भी परेशानी में अन्ना दादा के पास जाता है तो वो उसी समय उसकी परेशानी दूर करने में लग जाते हैं। लाखों में एक बात है, अन्ना कलयुग के देवता हैं। देखा ना मिस्टर अमरनाथ, तुम सोचते हो तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, ये तो केवल शुरुआत है। तुम अपने गुनाह कबूल कर लो और इस धंधे को अलविदा कह दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लोगों की हिफाजत के लिए हम हैं, गवर्नमेंट भी है, याद रखना। मिस्टर एसपी, तुम्हारे और तुम्हारे गवर्नमेंट के बारे में लोगों के दिलों में कितनी इज्जत है यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लुक मिस्टर, चुप कर। लोग अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए गवर्नमेंट स्कूल में नहीं डालते, कॉन्वेंट में डालते हैं। मरीज अपने ट्रीटमेंट के लिए सरकारी अस्पताल नहीं जाते, नर्सिंग होम में जाते हैं। लोग मेरे पास इसलिए आते हैं क्योंकि उनको मुझ पर विश्वास है। देख, तू हो या तेरी सरकार हो, पहले लोगों के दिलों में विश्वास जगा, फिर बड़ी बड़ी बातें करना। तुझे भी बोल रहा हूँ, अधिकार के बल पर ज्यादा उछलेगा तो नर्सिंग होम जाना पड़ेगा। रामनाथ, रामनाथ, डॉक्टर, हमारा रामनाथ बच तो जाएगा ना? अन्ना वो बचेगा या नहीं? मुश्किल है। कितने लोगों ने मारा इसे? एक ही ने मारा है। कौन है वो? सूर्या। उसे मेरे पास लाओ।
चल सूर्या, कल मिलता हूँ। ओके ठीक है, कल मिलते हैं। अन्ना ने तुझे घर पे बुलाया है, तुझे अभी मेरे साथ चलना पड़ेगा। प्यार से चलेगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका भी है हमारे पास। हाथ हटा अपना। नहीं हटाया तो क्या उखाड़ेगा? बोल क्या उखाड़ेगा, क्या करेगा तू? बोल तू। अगर अन्ना को मुझसे मिलना है तो उसके आदमियों को नहीं, उसे यहां खुद आना चाहिए था। ये सब भैया भैया, माँ की तबीयत खराब है, अस्पताल में भर्ती किया है और बाबा के पास पैसे ही नहीं है। सबके पास कितने पैसे? लाओ लाओ, ए देना चाचा, तुम भी दो। ये भी ले सकते, ये तो बहुत कम है। तुम लोग जाओ, मैं बाद में आती हूँ। ए हाँ, ए कितने पैसे हैं? दो मुझे। नहीं है। झूठ बोल रही है ना? भगवान की कसम। चल कंगन दे। नहीं, मेरी माँ के हैं ये। ए इधर आ। इस बच्चे की माँ कहाँ है पता है तुझे? हॉस्पिटल में। अगर मैं पैसे नहीं भरूंगा तो इसकी मां मर जाएगी। तेरा कंगन मैं तुझे वापस कर दूंगा, चल दे मुझे। ए तेरा। देती हूँ ना। बोला ना वापस दे दूंगा, चल बेटी। सूर्या ये पैसे भी रख ले। हाँ हाँ कोई बात नहीं यार, ठीक है ये लो। सूर्या भाई आप हमारे लिए भगवान हैं, आप नहीं होते तो। ऐसी कोई बात नहीं, बस थोड़े पैसे ही तो हैं, सब ठीक हो जाएगा। रामनाथ अस्पताल में भर्ती है, वो जल्दी ठीक हो जाए ऐसी भगवान से प्रार्थना करो, वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अन्ना 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 क्या कर लेंगे आप?
अपने आदमियों से मुझे मरवा देंगे ना, लेकिन मरने से पहले मैं उनकी लाशें बिछा दूंगा। इंसाफ बराबर का होता है। पहले तुम्हारे रामनाथ ने क्या क्या पूछो? क्या किया था उसने? अन्ना वो धमकी मत देना, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। उसने क्या किया मैं नहीं जानता, लेकिन वो मेरे भाई जैसा है। उसने मेरे विश्वास को जीता है। देखो, अगर वो पूरी तरह से ठीक होकर घर आता है तो अच्छा होगा, वरना कल का सूरज तो निकलेगा लेकिन तेरे सूर्यास्त के बाद। एक मिनट रुकिए, सुनिए। इसमें नहीं ले जा सकती, मैंने बाबा को बोल दिया है कि मेरे कंगन गुम हो गए हैं। ये कंगन उसी को दे दीजिए, उसी बच्चे की बीमार माँ को। क्या हुआ, लेकर क्यों नहीं जाते? तुम्हारा नाम क्या है? सुब्बू। हाँ? ओहो, सुब्बलक्ष्मी। देखो, अगर तुम किसी का भला करना चाहती हो तो तुम खुद करो ना। कुछ समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। सूर्या, हॉस्पिटल में जो रामनाथ बहुत सीरियस था ना, वो मर गया। पुलिस चारों तरफ तुझे ही ढूंढ रही है। तेरा नाम क्या है? सूर्या। तेरे बाप का नाम क्या है? तेरे बाप का नाम क्या है बता। अबे बहरा है क्या तू? तेरे बाप का नाम क्या है? मुझे नहीं पता। मतलब तेरा कोई बाप नहीं है क्या? तेरी माँ का नाम क्या है? अच्छा, तेरी माँ का नाम क्या है? वो भी नहीं पता। मतलब तेरा बाप भी नहीं है, तेरी माँ भी नहीं है, तू हरा। हाथ मत उठा। अरे मार डाला रे। दोबारा मत पूछना। Ah!
निर्मला क्या हुआ? अर्जुन अभी तक नहीं आया। पवनपुर में उसे बहुत सारे काम निपटाने हैं, इसीलिए उसे देर हो रही होगी। मेरे बेटे को कुछ होगा तो नहीं ना? उसे कुछ नहीं होगा निर्मला, तुम चिंता मत करो। ये रजिस्टर में साइन कर दे, तेरा सामान बराबर है कि नहीं देख ले। इस केशव ने रामनाथ को मारा ऐसा इसने लिखित में हमें दिया है, इसीलिए तुझे छोड़ रहे हैं। अब तू जा सकता है। इसको अंदर डालो। किसने किया ये? अन्ना ने। आपने मुझे क्यों छुड़वाया? जैसा तुमने कहा था, इंसाफ सबके लिए होता है। रामनाथ ने जो किया वो गलत था, तुमने जो किया वो सही था। सूर्या, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई ना? माँ बाप और भाई, ऐसा कोई नहीं है मेरा। मैंने सोचा मैं जिंदगी भर जेल में ही सड़ता रहूंगा, लेकिन आपने मुझ पर एहसान कर दिया, मुझे रिहा करवा दिया। मैं आपके इस एहसान का शुक्रिया अदा कैसे करूं नहीं जानता। मैं आपके लिए कर भी क्या सकता हूं? आपको देने के लिए सिर्फ मेरे पास एक ही चीज है। आज से मैं आपका, सिर्फ आपका गुलाम हूं। सूर्या, गौरी, ये सूर्या है। नमस्ते भाभी। नमस्ते। आज से ये मेरा छोटा भाई है। और इतना ही नहीं, आज से अन्ना के साम्राज्य का ये है दलपति। रुकिए मिस्टर, आप ही से कह रही हूँ, जरा रुकिए। मैं कब से आवाज दे रही हूँ, आप तो सुन ही नहीं रहे हो। देखिए, मैंने दोनों कंगन दे दिए। अरे रे 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 रे। बेटा, ये क्या कर रही हैं आप? तुम्हारे कारण आज मेरा परिवार सुखी है। मैंने ऐसा क्या किया है? हाँ बेटा, तुम्हारे कारण ही मेरे घर में खुशियाँ आई है। तुम 100 साल तक जियो, खुश रहो। ठीक है दादी, इन्हें संभाल कर ले जाओ। तुम 100
100 साल तक जियो और तुम सदा खुश रहो। अरे ए, एक मिनट, तुम्हारा नाम क्या है? दलपति। अरे राम, हे भगवान, तुम्हें ऐसा काम करने की क्या जरूरत है? अच्छा नहीं करता। अरे मेरा मतलब है, अन्ना के साथ काम करना जरूरी है क्या? माँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? पूरा भरोसा है मुझे। उसी तरह मुझे अन्ना दादा पे पूरा भरोसा है। मेरा मतलब वो नहीं है, अगर कल तेरी अपनी सगी माँ आकर पूछेगी कि मेरे बेटे की परवरिश तुमने कैसी की, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? क्या कहा तूने? मेरी अपनी सगी माँ पूरी दुनिया घूमकर तेरा पता लगाएगी, फिर तुझसे पूछेगी मेरी बेटी की परवरिश तूने कैसे की? पूछ सकती है, पूछेगी नहीं तो और क्या करेगी? रुको, उस महारानी को मैं अभी यहीं बुलाता हूँ। अरे रुक, मेरी बात तो सुनता जा। माँ, तू कहाँ है? जल्दी आ। हाँ, आई बेटा, आई। आई बेटा, आओ आओ, कुछ नहीं होगा बेटा, देखो तुम्हारी तरह कितने छोटे छोटे और बच्चे आ गए हैं, हाँ? उनके सामने रोते नहीं बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? कितनी प्यारी बच्ची है। हो गया, हाँ? रोते नहीं, हो गया बेटा। मामा मामा, देखिए बहन, 6 महीने के बाद फिर से इसे टीका लगाना होगा, अगर आप नहीं आई तो हम ही आपका घर ढूंढते हुए आ जाएंगे। अब मैं चलती हूं। जी ठीक है, आइए आइए। हाँ बेटा, सदा खुश रहो, भगवान तुम्हारी उम्र 100 साल करे। दूसरों के बच्चों का ख्याल अच्छे से रखे तो अपने बच्चे का भी भगवान ख्याल रखेगा। सदा खुश रहो, तुम 100 साल तक जो खुश रहो। कितनी सुंदर है लड़की है, तो ज्यादा सोचो मत, आखिरी समय में लड़कियां ही काम आती हैं। किसकी जैसी है तू, अपनी माँ के जैसी या अपने बाबा के जैसी? हाँ, कितनी प्यारी हंसी है इसकी, अल्लाह बेटा। सूर्या, देखो रामनाथ का बच्चा कितना प्यारा है, लड़की है ना सूर्या, इसके लिए कोई अच्छा सा नाम बताओ। मैं नहीं दादा, इस बच्चे के पिता को मारने वाला एक पापी हूं मैं ये नहीं कर सकता। रामनाथ की एक पत्नी है, ये मैं नहीं जानता था। गलती करने वाले को सजा मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने रामनाथ की जान ली और इसे अनाथ कर दिया। जब ये पूछेगी कि इसका बाप कहाँ है, तो सारे लोग कहेंगे सूर्या ने तेरे बाप को मार दिया। मैंने जो अपराध किया है उसे माफ नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रायश्चित के तौर पर अगर तुम मुझे एक मौका दोगी तो मैं एक भाई की हैसियत से इस घर, इस बच्चे की सारी जिम्मेदारी जिंदगी भर के लिए अपने कंधों पर लूंगा। भगवान के लिए मुझे एक मौका दे दो बहन। देखा बहना, हमारे भाई सूर्या का दिल कितना बड़ा है। देखो सूर्या, जैसा तुमने कहा, आज से इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है। अरे भाई, अब तो एक अच्छा सा नाम बता दो। देखिए, बच्ची साक्षात लक्ष्मी लग रही है। ऐश्वर्या नाम कैसा रहेगा? हे, तेरा नाम ऐश्वर्या है? हाँ, ऐश्वर्या।
अच्छा तो सूर्या तुम ही हो? हम कौन है जानत है? जानता हूँ, नरसिम्हा, एक्स एमएलए। तोहरे बारे में बहुत सुना है, मेरे आदमियों ने मुझे बताया। तो तू अन्ना के साथ काम करत है, पर काहे? अन्ना मेरी आत्मा है। वो एक गुंडा है, गली का बच्चा बच्चा जानत है। हमने ही उसे पाला पोसा और काम भी दिए, टैक्सी यूनियन का लीडर बना दिया। 10 साल तक मेरे घर का नमक खाया ससुरा, और हमारे ही साथ धोखा किया। रत्ती भर भी इंसानियत नहीं है उसमें। हमारा एक बड़ा बेटा था जिसे उसने बीच चौराहे पर कुत्ते की तरह पीट कर मार डाला। हम वो दिन कभी ना भूल सकित। जानता हूँ आपके बेटे ने अन्ना को मारने की कोशिश की, ये भी जानता हूँ। बिना किसी कारण के अन्ना कोई काम नहीं करता। ना ही सूर्या, अन्ना के तू नहीं जानत है। हमारी बात मान, हमसे हाथ मिला ले, हम तो का अन्ना से भी बड़ा आदमी बना दे। हमारे बाद सब तुमरा ही होगा। नाम, कीर्ति, अधिकार, धन दौलत सब कुछ तुम्हें मिलेगा। का बोलो तो? इन सबसे बढ़कर मेरे लिए सिर्फ अन्ना है। अरे पगले की तरह बातें मत कर। वो तो का अपने साथ काहे रखा है पता भी है? तोरे प्रति प्रेम है, भरोसा है, वो खातर नहीं। तू जाबाज है, तू कोई का भी सामना कर सकत है। तू उसके साथ है इसीलिए आज उसकी ताकत बढ़ गई है। देख, तू हमसे बहुत छोट है, बहुत छोट है। हमारी बात मान ले, हमसे हाथ मिला ले। अगर ओकरा के साथ रहोगे तो फोकट में मारे जाओगे। तेरे साथ रहकर जीने से तो अच्छा है अन्ना के साथ रहकर मर जाऊं। चलत है। जाओ यहां से। हे भगवान, भैया यहां पर कैसे आ गए? अन्ना आइए ना। अन्ना आप यहां, कह देते तो मैं खुद ही आ जाता। सूर्या, मुझे तुम्हारे जैसा भाई मिला ये मेरी खुशनसीबी है। ये आपने कितनी बड़ी बात कह दी। अगर कोई भी मेरे पास आकर कहता कि मैं तुम्हें इस शहर का बहुत बड़ा आदमी बना दूंगा तो शायद मैं उसके पीछे चला जाता, लेकिन तुम तो। क्या भैया, इतनी छोटी सी बात को आप इतना बड़ा कह रहे हैं? सूर्या, तुम्हें जहां रहना चाहिए ये वो जगह नहीं है। चलो मेरे साथ, चलो मेरे घर पे रहने के लिए। अन्ना, मेरा इस बस्ती से गहरा रिश्ता है। कूड़े में पड़े हुए इस अनाथ को पालने वाले लोग रहते हैं यहाँ। भूख के मारे रोते समय मेरा पेट भरा है इन लोगों ने। इन सभी को छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ भैया? बहुत खुशी हुई, तेरी यह सच्चाई और नेकी ही तेरी रक्षा करेगी। भगवान तुझे खुश रखे। अन्ना दादा, देखो देखो मेरी बेटी को। जब ये पैदा हुई तब तेरे घर में लक्ष्मी आई ऐसा बोलकर
आप ही ने इसका नाम लक्ष्मी भी रखा था ना। आपने अपनी बेटी की तरह इसे भी लाड़ प्यार दिया। लड़कियां भी पढ़ लिखकर आगे बढ़े, इसलिए आपने इसे स्कूल में भर्ती करवाया। इसके हर जन्मदिन पर आपने गांव को खाना खिलाया और आज मेरी बेटी फांसी लगाकर मर गई। आइए आइए, अब आपको इसे विदाई देनी होगी। आइए नाना दादा। लक्ष्मी। इस लड़की को पुलिस स्टेशन में रात भर बंद रखकर एसआई और उसके चार पुलिस वालों ने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए इस लड़की ने आत्महत्या कर ली। लोगों की रक्षा करने वाली हमारी पुलिस ही ऐसा नीच और घटिया काम करने लगेगी तो हम गरीबों को न्याय कौन देगा? मेरी बच्ची। तुझे बस में जाते वक्त मैंने देखा था। मैं जानता हूं ये सब तुझे पसंद नहीं है। तू ब्राह्मण घर की लड़की है, तुझे संगीत भरतनाट्यम ही पसंद है। तुझे ये झगड़ा मारपीट वगैरह पसंद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, ये सूर्या ऐसा ही है। तेरे से 2 साल छोटी थी वो लड़की, उसे लॉकअप में रखा और रात भर उस एसआई और चार कांस्टेबल ने 15 साल की लड़की के साथ सब कुछ हो गया। उसे सुबह जाकर छोड़ा, वो ऐसी हालत में घर कैसे जा सकती थी, बोलो ना। इसलिए उसने आत्महत्या कर ली और इसीलिए मैंने उस एसआई का हाथ काटा। अब वो किसी को छू नहीं पाएगा, ना किसी लड़की को आंख उठाकर देख पाएगा। ये सब तेरी समझ में नहीं आएगा। ये सूर्या ऐसा ही है। क्या हुआ, अब रो क्यों रही हो? मैं पूछ रहा हूं, रो क्यों रही हो? मेरा इस तरह मारपीट करना तुझे पसंद नहीं है ना? मैं मवाली हूँ, खूनी हूँ। मवाली खूनी लड़का तुझे पसंद नहीं है ना? तू मुझसे नफरत करती है ना? मुझे पसंद नहीं करती ना, है ना? बोलो। पसंद करती हूँ। तो फिर रो क्यों रही हो? मुझे नहीं पता। नमस्ते,
साहब। डॉक्टर साहब नमस्ते। साहब नमस्ते। साहब नमस्ते। साहब डॉक्टर साहब नमस्ते। डॉक्टर साहब नमस्ते। सदा खुश रहो, भगवान तुम्हारी उम्र 100 साल करे। हम लोग अब जो कुछ भी करेंगे उन लोग की पैनी नजर हम पे रहेगी, इसलिए हमें समझदारी से काम लेना होगा। और वो कैसन हो, बहुत दिन हुए, हालचाल ठीक है? और आप? अब हम पहले जैसा नहीं रहे बाबू, आजकल हम शांति से रहते हैं। उम्र हो गई है ना, अब तो बस ऊपर जाने का इंतजार कर रहे हैं। किसके ऊपर जाने का? अन्ना तू बिल्कुल भी नहीं बदला है, पहले जैसा ही है। पुरानी बातों को भूले तो नहीं ना? कैसे भूलूंगा। भगवान रक्षा करे, तुम्हारी जो उम्र है लंबी हो। मुझे तुम्हारे आशीर्वाद की जरूरत नहीं, लोगों की दुआ मेरे साथ है, ऊपर वाले का हाथ है। इसके 10 रुपए, इसके 5 रुपए और नारियल के 12 रुपए। अच्छा है, कितने पैसे हुए? 35 रुपए भाई। गिरी, क्या हुआ गिरी? सूर्या अन्ना,
क्या हुआ गिरी? अल्लाह, अल्लाह। क्या हुआ अन्ना को? अन्ना को बचा लो। गिरी बोलो। ए गिरी क्या हुआ? अन्ना को बचा लो। अन्ना कुछ बोलो ना। अन्ना कुछ बोलो ना। अन्ना कुछ बोलो। अन्ना मुझसे बात करो। अन्ना कुछ बोलो। अन्ना बोलो। अन्ना कुछ बोलो। आप अंदर नहीं जा सकते, छोड़ो मुझे। अन्ना कुछ बोलो। अन्ना तुम्हें कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर भैया बच तो जाएंगे ना? सॉरी सर, उन पे बहुत ही घातक वार हुए हैं, उनका बचना बहुत मुश्किल है। hey! वो बचने चाहिए अन्ना, बचने चाहिए। हौसला रखी, भैया को कुछ नहीं होगा। ऐसे डॉक्टर ने कहा? नहीं, अन्ना ने खुद कहा। तुम सच कह रहे हो? मालिक, अन्ना अभी मरा नहीं है, वो जिंदा है। मेरा क्या होगा सरकार? हम है तो काहे का डर, लेकिन वो अन्ना मेरी। ए, तू डर मत, सब ठीक होगा, हम सब संभाल लूंगा। ठीक है सरकार। मनोहर। हाँ पापा। ई मामला बढ़ने तक ई यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है, डरो मत, जाओ। चलो सर। उस ओम छोड़ उसे। लेकिन साहब, वो लोगों को जिंदा ना छोड़िए। वो उसकी किस्मत है, हम क्या कर सकते हैं। सर, गुड मॉर्निंग। हेलो सर। हेलो, वेलकम सर। वेलकम टू गार्डन सिटी, प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमारी इस धरती पर अगर अन्ना के साथ कोई गलत बात करता है या उन पर कोई उंगली उठाता है, उसका अंजाम क्या होगा ये मैं उन्हें बताऊंगा। Oh, my God.
सुनिया नहीं, ऐसे छोड़ दो मेरे को। प्लीज कम सर। ये कौन है? सोम है सर। घर वालों को इन्फॉर्म किया? कर दिया सर। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की? नहीं सर। क्यों नहीं की? विटनेस ही नहीं है। हाउ इज दैट पॉसिबल? दिन दहाड़े वो भी पब्लिक प्लेस में, इतने लोगों के सामने ये सब हुआ और एक गवाह नहीं जिसने ये सब देखा? लेकिन कोई सामने नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? डर से। किससे डरते हैं? अन्ना से, सूर्या से। इससे पहले भी ऐसी बहुत सी वारदातें हो चुकी हैं सर, आगे भी होती रहेंगी सर। लोग तमाशा देखते हैं लेकिन कोई भी विटनेस बनने को तैयार नहीं। सुबह तक ये जिंदा था और अब ये मरा पड़ा है। जलाकर राख कर दिया इसे। इतना होते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं सर, कोर्ट भी विटनेस मांगता है। क्यों? एक भी विटनेस नहीं है क्या? अगर कोई गवाही देता तो मैं चुप नहीं रहता सर। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, यहाँ जो भी हुआ मैंने सब देखा, खोने को मैं आसानी से पहचान लूंगा। कम ऑन ऑफिसर, अब तो गवाह मिल गया ना। हा? तेरा नाम क्या है? बुलट कृष्णा। तेरे बाप का नाम क्या है? महादेव। माँ का नाम? कमला। तेरी उम्र कितनी है? 30। तेरा नाम क्या है? फयाज। बाप का नाम? इस्माइल। माँ का नाम? बेगम। तेरी उम्र कितनी है? 25 साल। और तेरा नाम क्या है? सूर्या। और तेरी उम्र? 24 साल। और तेरी माँ का नाम? तेरी माँ का नाम क्या है? अबे तेरी माँ का नाम? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, नहीं पता। कितनी बार कहा है तुमसे, मुझे नहीं पता। मुझे फेंक दिया, मेरी माँ ने मुझे मालगाड़ी में फेंक दिया था। लेकिन मैं क्या करूं, गांव में होलिका दहन हो रहा था, सब पुरानी चीजों को आग में फेंक रहे थे, मेरी मां ने मुझे कचरा समझ के फेंक दिया। एक कपड़े में लपेट कर मालगाड़ी में मुझे फेंक कर चली गई। वो कौन थी मैं कैसे जान सकता हूं, मैं कैसे बताऊं? एक्सक्यूज मी सर, इनमें से वो कौन था पहचानिए। बताइए सर, ये वो नहीं। ठीक से देखकर बताइए। मैं इसको नहीं पहचानता सर। हाँ। डैडी। हाँ। सॉरी ऑफिसर, वाकई में ये वो नहीं है, मैं इसे नहीं जानता। आगे बढ़ता जा, आगे बढ़ता जा, सबको पीछे छोड़ के बिना रुके बिना थमे आगे बढ़ता जा। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। मानव जन को सार्थक बनाने के लिए न्याय,
नीति धर्म का पालन करना चाहिए। सत्य ही हमारे माता पिता हैं, सत्य ही हमारे भाई बंधु हैं। सत्य के लिए जो अपनी जान तक निछावर करेगा उससे ही परमात्मा प्रसन्न होंगे। पापा, ये सच्चाई का पाठ आप ही पढ़ाते थे ना, तो अब आपको क्या हुआ? आपका एक लौता बेटा है, एक पत्नी है, उस अन्ना से और उस सूर्या से कोई खतरा होने का डर है क्या? बोलिए पापा, बताइए मुझे। साहब, अपने डीएसपी साहब का फोन आया है। निर्मला, निर्मला, जब तुम्हें वो बच्चा हुआ था तब तुम्हारी उम्र कितनी थी? यही कुछ 13 या 14 साल। क्या उस दिन कोई त्योहार था निर्मला? होली का त्योहार, गांव के सारे लोग पुरानी चीजों को, अनचाही चीजों को आग में डाल रहे थे और मैंने अपने नवजात शिशु को ही फेंक दिया, वो भी मालगाड़ी में। ये सब आप आज क्यों पूछ रहे हैं जी? बस यूं ही। कुछ भी मांगे, सुना है कि तुम मना नहीं करते? सच है, चाहे कोई भी मांगे मैं मांगू तो भी। क्या चाहिए तुझे? जो मांगूंगी दोगे ना? हाँ सच में दूंगा, मांगो। तो फिर तुम चलो, चलो ना। कहाँ जाना है? ओफो, चलो, मंदिर लेके जा रही हो, भगवान से मैंने प्रार्थना की थी। अरे पर मेरी बात। ओफो चलो ना, तुम्हें जल्दी शादी करनी है ना, तो फिर चलो मेरे साथ जल्दी। Thank you.
शास्त्री जी, ये अन्नदाता कौन है? सूर्या? थोड़ी सी दाल दो, बस बस। सूर्या? हाँ? अच्छा ये लक्ष्मी कौन है? अरे बस बस बस, ये लो पानी पियो। लक्ष्मी? ये लक्ष्मी कौन है? हाँ कौन है वो? बस ऐसे ही कुछ सुना इसीलिए पूछ लिया। क्या सुना हमें भी बताओ। अरे वो है ना। अच्छा वो लक्ष्मी क्या? कौन है वो? वही ना अन्ना, वो अपने गोपाल जी है ना, उन्हीं की बेटी है। ए सूर्या, तू जिस स्कूल का मास्टर है मैं वहां का प्रिंसिपल हूँ। ये लक्ष्मी कौन है वो? सुना है लड़की दिखने में बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा गाती भी है। सूर्या को वो पसंद भी करती है। सूर्या तुम्हें वो लड़की पसंद है? आप चुपचाप खाना खाइए, भाभी की बात सुनकर आप भी बेकार में ना। तुझे वो पसंद है या नहीं? देखिए देखिए, इसे देखने से पता नहीं चलता क्या? हाँ, चेहरा देखकर सब पता चल जाता है। आप सूर्या खाना तो खा ले। चोरी पकड़ी गई इसलिए भाग गया। लड़की के पिता डीसी के ऑफिस में काम करते हैं, ब्राह्मण घराने की लड़की है। चाहे किसी भी घराने की हो, अपने सूर्या को पसंद है ना वो लड़की, शादी होकर रहेगी। पिताजी घर पर है? हाँ है, आइए ना। आइए। ओम लक्ष्मी देवता सूर्य देवता। शास्त्री जी अन्ना है। बोलिए। शादी के बारे में बात करने के लिए आए हैं। अंगूठी देकर बात करना हमारी परंपरा है, आपकी परंपरा हमें नहीं पता। देखिए आपकी परंपरा के अनुसार ही हम शादी करवाएंगे। आप एक अच्छा सा मुहूर्त देखिए, हम उसी दिन शादी करवा देंगे। लड़का कौन है? सूर्या। मेरे सगे भाई की तरह है। लड़की कौन है? हाँ? ये क्या शास्त्री जी, हल्दी कुमकुम के साथ हम आपके घर आए हैं और आप पूछ रहे हैं लड़की कौन है? लक्ष्मी। रुकिए। हमारा सूर्या तुम्हें पसंद है? पसंद है। तुम उससे शादी करना चाहोगी? बताइए शादी कब रखें? मेरे मरने के बाद। शास्त्री, सूर्या में क्या कमी है? सूर्या? सूर्या कौन है? उसकी माँ कौन है? उसका पिता कौन है? किस जाति का है वो? जाति? शास्त्री जी, माना कि आपकी तरह सूर्या के शरीर पर जनेऊ नहीं है, लेकिन उसका दिल इंसानियत से भरा हुआ है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? योग्यता क्या है उसमें? योग्यता? कौन सी योग्यता? किस योग्यता की बात कर रहे हैं? कहाँ की योग्यता? एक ऑफिस में आप छोटी सी नौकरी करते हैं। अगर कोई भूखा आदमी आपके सामने आकर खड़ा रहे तो आप उसके हाथ में एक रुपया भी नहीं रख सकते। हमारे सूर्या के सामने जो कोई आता है उसके लिए कुछ भी करता है वो। ए, एक बात सुन ले, हमारे सूर्या से अच्छा वर तेरी बेटी को इस जन्म में नहीं मिल सकता। नहीं चाहिए, ऐसा इंसान हमें नहीं चाहिए। प्यार से कही बात सबको समझनी चाहिए। आपकी बेटी हमारी सूर्या को बहुत पसंद करती है, दोनों की शादी करवा देंगे तो दोनों बहुत सुखी रहेंगे। देखिए हमारा सूर्या खरा सोना है, सोना। सोना पहनने वाले उसका दाम नहीं पूछते, पूछते हैं खाली गरीब। मैं गरीब के साथ साथ में इसका बाप भी हूँ। मैं अपने हाथों से इसका गला घोट दूंगा, लेकिन उस नीच लड़के से इसका। शास्त्री, इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें कुछ मत कीजिए। ये मेरे लिए सिर्फ मेरे पिता ही नहीं, मेरी माँ, गुरु, भगवान, सब है।
मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप चले जाइए यहाँ से। प्यार की हत्या करने वाला, उसके कीमत ना समझने वाला इंसान ही नहीं हो सकता, तो अच्छा बाप क्या कहलाएगा। चलो गौरी। महादेव बातें कम करो, काम ज्यादा करो, जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी करो। मेरे लिए उसका हाथ मांगने गए थे ना, हाथ में थाली अंगूठी सब बेकार गया होगा। आप लोगों को जाने के लिए किसने कहा था? वो सूर्या, हम तो सूर्या, क्या बात है, भाभी पे बहुत गुस्सा हो रहा है? और नहीं तो क्या भैया, आप जहां से गुजरते हैं वहां लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, आज आपने मेरे लिए हाथ जोड़ा। काश मैं वहां नहीं जाता तो शायद वो शादी के लिए मान जाते। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं भैया, पूरे गांव में एक ही लड़की थी क्या, मैं उसके बिना जी नहीं सकता? ऐसी बात नहीं है, हर एक इंसान के लिए ऊपर वाला कोई ना कोई साथी बनाता है। ऊपर वाले ने तेरे लिए जो लड़की बनाई होगी उससे तेरी शादी मैं करवाऊंगा, क्या कहती हो गौरी? बिल्कुल सही, हमारे सूर्या से जो भी लड़की शादी करेगी वो नसीब वाली होगी, लक्ष्मी की तरह नहीं। ऐसी बात नहीं है, मुझे लक्ष्मी नहीं मिली तो मैं उसके बगैर जी सकता हूँ, पर किसी और से शादी करके मैं अलग से घर नहीं बसाना चाहता। लेकिन सूर्या, इस पूरे शहर का ख्याल रखने वाली ये अपने भाई के लिए क्या इतना भी नहीं करेंगे? भाभी, जबरदस्ती अपनी इच्छाओं को कागज पर लिख सकते हैं लेकिन यहाँ कभी नहीं लिख सकते। मेरे साथ आप दोनों हैं ना, इतना बहुत है मेरे लिए। पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है, मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कह सकती, अगले बुधवार को शादी है। क्या हुआ, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे? मैं किससे शादी करने जा रही हूँ ये भी नहीं पूछोगे? किससे? डीसी से। तो जाना, आखिर तुझे मना कौन करता है? अब तक क्यों खड़ी है यहाँ पर, जाना या कर ले। लड़कियां यही तो चाहती है, चार अक्षर इंग्लिश में बोलने वाला हो, मस्त गोरा चिट्टा हो, इतना ही ना। मैं तेरे पीछे पड़ा था क्या? मैंने कहा था तुझे मैं पसंद करता हूं, मैं तेरे कंधों पर सर रखकर रोया था, चल जाना। नाटक करती है। सूर्या, मेरी बात तो कुछ नहीं सुनना है, अब तू रो मत, चल जा, उसी से शादी करके हमेशा खुश रहना, अब जा ना। Thank you.
अमरनाथ और अन्ना दादा। सूर्या, आप लोगों पर पूरे 46 केस दर्ज हैं। यहां आप लोगों का सेपरेट कोर्ट है, आप लोगों की सेपरेट पुलिस है, यहां आप लोगों की ही हुकूमत चलती है ना? मदद की आशा से बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, हमसे जितना हो सकता है हम मदद करते हैं, यही हमारा धर्म है। जिसे भी आप बुलाएंगे वो आपके सामने तुरंत हाजिर होना चाहिए, वरना उन्हें पीटा जाता है। आप जो करते हैं वही फैसला होता है, कोर्ट चाहे कुछ भी कहे, आप अपना ही कानून चलाते हैं। जमीन की समस्या हो, पति पत्नी का झगड़ा हो, भाइयों की आपसी दुश्मनी हो, इन सभी केसेस के आप ही जज हैं और आपका घर एक कोर्ट है। आपकी कोर्ट में उन्हें न्याय नहीं मिलता, इसलिए वो मेरे घर आते हैं मदद के लिए। मदद करने के लिए कोर्ट है, सरकार भी है। आप लोगों से कुछ नहीं होता तभी तो लोग हमारे पास आते हैं। वो किसी काम से ही आते हैं या आप लोगों से डर के आते हैं? लोगों का हमारे पास आना आपको पसंद नहीं है क्या? मैं मेरी पसंद और नापसंद के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, क्या सही है और क्या गलत उसके बारे में पूछ रहा हूँ। डीसी साहब, आपने गरीबी देखी है क्या? भूख की आग को कभी बर्दाश्त किया है? पैसे ना होने पर दर दर की ठोकरें खाइए? एक गरीब इंसान कोर्ट की फीस हो या लॉयर की फीस हो, वो कभी नहीं भर सकता। हजारों बार कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ने पर भी उसे कभी न्याय नहीं मिलता, इसीलिए हम न्याय करते हैं। रास्ते पे मारपीट करना न्याय है क्या? नहीं, पुलिस स्टेशन में उनको बांध कर लाठी से पीटना न्याय है। न्याय अन्याय का फैसला करने के लिए कोर्ट है, उसके ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए हम हैं। बीच में आप लोग क्यों इंटरफियर करते हैं? आप किसी को पीटे तो सही, और अगर हम पीटे तो गलत, है ना? सरकार, कोर्ट और कानून के मुताबिक जो किया जाता है वो सही है, वही चीज अन्ना और सूर्या करते हैं वो गलत है। कमाल की बात करते हैं सर आप। अगर आपके पास कोई पिटीशन लाता है तो उसे आप देखकर ये सही है ये गलत है, ये चिट्ठी तुम उन्हें जाकर दो इन्हें जाकर दो, ऐसा मत करो वैसा मत करो कहकर दौड़ाते रहते हो। वही काम अगर कोई और करता है तो उन्हें बुलाकर उनसे मीटिंग करते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनके पास IPS IAS की डिग्री है, अधिकार है, और हमारे पास सिर्फ भरोसा, जो लोग हम पर रखते हैं। आप जो काम नहीं कर पाते वो हम कर लेंगे, ऐसा उन्हें विश्वास है, भरोसा है। बस हो गया या और भी कुछ बाकी है? इन सब चीजों से लोग डरते होंगे, मैं इन चीजों से नहीं डरता। यूं ही फिजूल की बातें करके बात को बदलिए मत। अगर सीधी तरह से कहा जाए तो आप हमें पसंद नहीं करते, क्यों? हाँ, नहीं पसंद करता। ऊपर से आप जैसे गुंडों को देखता हूं तो मुझे चिढ़ आ जाती है। किसे गुंडा कह रहे हैं आप? अन्ना को गुंडा कहने वाले होते कौन है आप? ये आपका ऑफिस है इसलिए मैं अभी तक चुप हूं, वरना अब तक तो तमीज से बात कर रास्कल, ज्यादा बोला तो यहीं पे। हाँ, क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, बोलना। ऑफिस में बैठकर मुझ पे होशियारी झाड़ रहा है। सूर्या को भड़काने की कोशिश मत कर। सूर्या, बताइए डीसी साहब, आप हमसे क्या चाहते हैं? रोक दीजिए, आप अपनी सारी एक्टिविटीज रोक दीजिए। नहीं रोक सकता। आजा। तो तू छुपी हुई थी बदमाश। अंकल, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। हाँ? आप उसका आंसर बताएंगे? जो पूछना है पूछ, मैं आंसर बताऊंगा। पानी में पत्थर डालने से वो तैरने के बजाय डूबता क्यों है? पत्थर भारी होता है इसलिए। नहीं, उससे तो तैरना नहीं आता ना, इसीलिए। ओहो, तुझे तो बहुत कुछ पता है। मैं और भी बहुत कुछ जानती हूँ। हाँ? आप बताइए मैं कौन सी क्लास में हूँ? LKG। फिर सर, मुझे तो कितने केजी की है, कितने केजी की है, क्यों पूछते हैं? वो क्या है ना, मेरी गुड़िया बहुत ही प्यारी है इसलिए सब मजाक करते रहते हैं।
ऐसी बातों का बुरा नहीं मानते। लो घर आ गया। इसी तरह से पढ़ाई में होशियार रहना, ठीक है ना? थैंक्स अंकल। टाटा। मम्मी। आओ। आज मेरी औलाद से मुझे बिछड़े हुए पूरे 24 साल हो गए। अब भी मुझसे उसकी दूरी बर्दाश्त नहीं होती है, नहीं होती जी। सूर्या जल्दी आ, जल्दी। अरे क्या हुआ ना? गौरी गौरी गौरी। सूर्या मैं कैसा दिख रहा हूँ? मैं कुछ बदला दिख रहा हूँ क्या? वो तेरे अन्ना कैसे दिखेंगे? अन्ना की तरह ही दिखेंगे ना, बस थोड़े और मोटे। ठीक है ठीक है ठीक है। सूर्या अपनी भाभी को देख और बता कैसी दिख रही है। देखना तेरी भाभी कैसी शर्मा रही है। पीना। समझ गया भैया, भैया बाप बनने वाले ना? बिल्कुल सही कहा। देखा, मैं जानता था सूर्या सब कुछ समझ जाएगा। अच्छा ये बता, लड़का या लड़की? भाभी के जैसा प्यारा प्यारा और आपके जैसा दिल वाला, जरूर एक लड़का ही होगा भैया। करेक्ट, सूर्या ने कहा तो लड़का ही होगा। चल आकर। अंकल मेरे पापा कैसे मरे? मेरे पैदा होने से पहले ही वो मर गए ना अंकल? आपके पापा कहाँ हैं? पता नहीं। और माँ? उसके बारे में भी नहीं पता। पर आपको क्यों नहीं पता? मेरा मतलब वो कौन है, कहाँ रहते हैं, कुछ भी नहीं पता। वही तो, क्यों नहीं पता? जब मैं पैदा हुआ ना तब बहुत ही काला था। ये बात मेरी माँ को पसंद नहीं आई। वो वहाँ दिखाई दे रहा है ना शॉल, उस पे मुझे लपेट कर माल गाड़ी में फेंक कर चली गई। वहाँ वो दिखाई दे रहा है तख्ता, उस तख्ते में मैं बहते हुए जा रहा था और तब एक दूसरी माँ ने मुझे उठाकर पाला और अब मैं इस छोटी सी माँ से बात कर रहा हूँ। ले पानी पी। ए कहाँ भाग रहा है? रुक, ए रुक यार। पानी। ए ए कितना भाग रहा है? ए रुक। ए कितना? पानी। ए हे भगवान, भगवान के मंदिर आने से कितनी शांति मिलती है ना। Oh!
सुनो अन्ना, इस तरह से चुप रहने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम जानते हो, तुम्हारा नाम लेने से, सूर्या का नाम लेने से, बूट से, लाठी से बस शुरू हो जाते हैं। अन्ना, ये काम हम छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ सकते हैं ना हम, ये सब छोड़ सकते हैं ना। देखिए, आपकी बहुत इज्जत है, पैसा भी है, आपका नाम भी है, लोग प्यार भी करते हैं, इतना काफी नहीं है? नहीं है, मेरे लिए काफी नहीं है। इंसान को जब भूख लगती है, उसे रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, इज्जत भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। सर छुपाने के लिए छत मिल जाए तो सारी दुनियादारी भूल जाते हैं। नायर जी, कोई डीसीपी आकर हम सबको ये सब बंद कर दो कहेगा तो हम उसके डर से सब कुछ बंद कर देंगे, क्योंकि वो किसी को भी पीट सकता है, किसी को भी पकड़कर लॉकअप में बंद कर सकता है, और हमें ये सब देखकर चुप रहना चाहिए, है ना? सूर्या, सूर्या का नाम लेते ही पुलिस वाले डंडे की बरसात कर देते हैं, लेकिन इसके दिल पे क्या गुजरती है किसी ने जानने की कोशिश की? मेरे अंदर भी रहम है, इंसानियत है मेरे अंदर, मैं भी अपने बीवी बच्चों के साथ सुखी जीवन बिताना चाहता हूँ, लेकिन हुआ क्या? तेरे सामने ही मेरे घर का चिराग बुझ गया। उसकी मौत का जिम्मेदार अर्जुन है। अपने बच्चे की कसम खाता हूं, इस दुनिया में या तो वो जिंदा रहेगा या ये अन्नदाता। अर्जुन, हे अर्जुन, अर्जुन, हे अर्जुन, 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 कौन? डीसी है क्या? वो नहीं है, कैंप में गया है। वो आपका बेटा है क्या? हाँ। उसे कहना वहीं से वापस लौट जाए, गलती से यहाँ आना भी मत। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसने हमसे दुश्मनी ले ली है, और हमारे दुश्मनों का बचना नामुमकिन है। अन्ना से दुश्मनी लेकर उसने अच्छा नहीं किया। मैं शराफत से कह रहा हूँ, मेरी बात मानकर अपने बेटे को यहाँ से ले जाइए, इसी में आपकी भलाई है, वरना इस सूर्या की वजह से अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देंगे। सुना है तुमसे जो मांगो दे देते हो, मुझे भी दोगे? क्या चाहिए? मना तो नहीं करोगे? नहीं, बताइए। इसी वक्त अन्ना का साथ छोड़ दो। तुम अच्छे हो, सभी का भला करते हो, लेकिन
तुम अन्ना के साथ मिलकर गलत काम कर रहे हो। दंगा, मारपीट, कत्ल, ये सब करने की क्या जरूरत है तुम्हें? वैसे ये सब पूछने वाले तुम होते कौन हो? उस डीसी ने तुम्हें भेजा है ना मुझे और अन्ना को अलग करने के लिए? चाहे कोई भी आए, हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। जाकर उसे बता दो। उनसे इतना लगाव क्यों है? मेरे लिए अन्ना भगवान है। मेरे मरने के बाद मेरी चिता को आग देने वाले एक वही हैं। वो चाहे अच्छे हों या बुरे हों, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ोगे? चाहे भगवान ही क्यों ना कहे, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हारा कोई अपना कहे, तुम्हारी माँ कहे तो भी? ये तू क्या कह रहा है? मेरी माँ कहेगी? मेरी कोई माँ नहीं है। तुम्हारी माँ है। तू कैसे जानता है? जानता हूं, अभी कुछ दिनों से। मैं नहीं मानता। वो है, यही है, इसी गांव में है। कौन है वो? अर्जुन की माँ ही, तुम्हारी भी माँ है। अर्जुन, आप ये सब कैसे जानते हैं? सब जानता हूं। तुम्हें जन्म देकर तुम्हारी माँ तुमको मालगाड़ी में रखकर चली गई, ये भी जानता हूं। वही माँ आज सिर्फ तुम्हारी खातिर दिन रात आंसू बहाती है, ये भी जानता हूं। उस दिन मंदिर में मैंने आपके साथ जिन्हें देखा था, उस दिन आपके घर में जिन्होंने मुझसे बात की, नहीं, ये सब झूठ है। ये सच है बेटा। तुम्हें भी कोई अपना कहने वाला है? तुम्हारा एक छोटा भाई है, तुम्हारी माँ भी है, और पिता के जैसे मैं भी हूं। नहीं, वो मेरी माँ नहीं है। उन्हें मुझसे नफरत है, मुझे फेंक कर चली गई। मैंने उन्हें मुझे जन्म देने के लिए कहा था क्या? उन्हें मैंने मजबूर किया था क्या? मुझे उठाकर जिन्होंने पाला पोसा, भूख लगने पर खिलाया, वो मेरी माँ है, और वो डीसी की माँ है। मेरा उनसे किसी भी तरह का रिश्ता नहीं। उसकी कोई गलती नहीं है बेटा। किसी और की गलती की सजा उसे भुगतनी पड़ी। तब उसकी उम्र 13 या 14 साल की रही होगी। उस वक्त क्या करना चाहिए उसे समझ में नहीं आया। तुम्हें अपने गर्भ में रखना है या फिर अपने गर्भ से गिरा देना है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। कोई उसे देख ना ले, इस बात के डर से उसने तुम्हें मालगाड़ी में छोड़ दिया। उस दिन से आज तक ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन रोई ना हो। मैं कौन हूं उन्हें पता है? उन्हें बताना भी मत। उनका ये बेटा हत्यारा है, उन्हें कभी मत बताना। मेरे हाथों पर खून के धब्बे लगे हैं। मेरे बारे में ना जाने तो अच्छा है। आप ऐसा किसी से नहीं कहेंगे, मुझसे वादा कीजिए। मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, आपके सामने फैला रहा। वादा कीजिए, मुझसे वादा कीजिए। करेंगे? अब रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ? रोइए मत अंकल, नहीं तो मैं भी रो पड़ूंगी। देखो अंशु, मैंने कहा था मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई।
वो जिंदा है, इसी शहर में। पीसी की जो माँ है ना, वही मेरी माँ है। लेकिन मैं उन्हें माँ कहकर बुला नहीं सकता। लेकिन क्यों? वो कहाँ है, मैं कहाँ हूँ? मुझे भगा दिया तो? नहीं भगाएंगे। अंकल मत रोइए। ठंड ना लगे। लेकिन ये तो सूर्या अंकल की है ना? हाँ। ओह, हो गया बेटा। हाँ, आओ। हो गया बेटा। आओ बेटी, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम ऐश्वर्या है। वेरी गुड, आओ बैठो बैठो। ये शॉल मैं निकालूं? तुम्हें कौन सी चॉकलेट पसंद है? डेरी मिल्क। डेरी मिल्क। ऐसा क्या? हो गया बस हो गया। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, ठीक हो जाएगा। ऐश्वर्या, तुम अपनी शॉल भूल गई, लो। ये तो सूर्या अंकल की है। जब उनका जन्म हुआ था तब वो काले थे, उनकी माँ को वो पसंद नहीं थे, इसलिए इसमें लपेट कर उन्हें मालगाड़ी में छोड़कर चली गई थी।
निर्मला, क्या बात है, क्या हुआ? मेरा बेटा, वो जिंदा है, उसका नाम सूर्या है। जानता हूँ, तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, मैं उसे जानता हूँ। मेरा यकीन करो निर्मला। मेरा नाम मूर्ति है, मैं 10 साल से अन्य के साथ हूँ। मैं उसके सभी धंधों के बारे में जानता हूँ। मैं उसके खिलाफ गवाही दूंगा। अन्ना दादा, यू आर अंडर अरेस्ट। सूर्या, अन्ना को पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है। ससुरा, thank you।
बोलो क्यों माँ? मुझे एक अनाथ की तरह मालगाड़ी में छोड़ दिया। मैंने ऐसी क्या गलती की थी माँ? पता है मैं तुमसे बहुत नाराज था। सोचा था जब तुमसे मिलूंगा तो मैं अपने बहुत सारे सवालों का जवाब मांगूंगा, पर आज तुम्हें देखने के बाद मेरी सारी नाराजगी दूर हो गई। तुम्हें मां पुकारने का दिल कर रहा है मेरा। मां, जानती हूं बेटा, इतने दिन तुमने कितनी तकलीफें झेली हैं, इसकी जिम्मेदार मैं हूं। इस दुनिया में तेरे आते ही मैंने तुझे अपने से दूर कर दिया। मैं तुम्हें मां का प्यार नहीं दे सकी, अपने हाथों से एक निवाला तक तुझे नहीं खिला पाई। पता नहीं तेरे नसीब में ऐसी माँ क्यों आई, तूने किसी अच्छी माँ के कोख में जन्म क्यों नहीं लिया। मैं जानती थी मुझे एक दिन मेरा बेटा जरूर मिलेगा, तब उसे जी भर के देखकर उसके पैरों पर गिरकर उससे माफी मांगूंगी और मेरी अंतिम सांस चलने तक उसे जी भर के प्यार करूंगी, ऐसा मैंने सोचा था बेटा। रो मत मां, तेरी आंखों में मैं आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। सूर्या, तू अपनी इस मां के साथ चलेगा, हम यहां से कहीं और चले जाएंगे बेटा, हम सब एक साथ रहेंगे। ये कैसे हो सकता है मां? अन्ना को कैसे छोड़ सकता हूं? जब मेरे साथ कोई नहीं था तब सिर्फ अन्ना ही मेरे पास थे, अब मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूं बोलो? तुम्हें अर्जुन के साथ रहना चाहिए और मैं अन्ना के साथ रहूंगा, यही न्याय है मां। सभी शूटर साइड की बातें कर रहे हैं तेरे बारे में, इतने सालों के बाद तू मुझे मिला है, तुझे और अर्जुन को अगर कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी बेटा। तेरा आशीर्वाद और अन्ना का साथ जब तक है मुझे कुछ नहीं होगा माँ, तू फिक्र मत कर माँ, हमारी वजह से अर्जुन पर एक आंच भी नहीं आएगी। तेरी कसम माँ, मैं तुझसे वादा करता हूं। पुलिस फोर्स बुलवाइए, लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है हमें। एंटायर सिटी में सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करो। एक्सक्यूज मी सर, चीफ सेक्रेटरी साहब लाइन पे हैं। नो, एक्सक्यूज मी प्लीज सर। हेलो मिस्टर अर्जुन। यस सर। पूरे शहर में दंगा हो रहा है, तुम लोग कर क्या रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग देयर? सर यहां बंद दंगा फसाद। आई डोंट वांट एनी एक्सप्लेनेशन फ्रॉम यू। सर यहाँ अन्ना नाम का कोई भाई, जानते नहीं वो बहुत पावरफुल आदमी है, तुमने किसकी ऑर्डर से उसे लॉकअप में डाला और उस पर टॉर्चर किया? व्हाट आर यू डूइंग देयर अर्जुन? सॉरी सर। यू आर ट्रांसफर्ड टू हुबली, गो देयर एंड टेक द चार्जेस, अंडरस्टैंड? ओके सर। मेरा हुबली में ट्रांसफर हो गया है, नेक्स्ट मंडे तक का टाइम है, तब तक हमें कुछ करना होगा। Thank you.
सूर्या, हमारी नींद हराम करके चैन की नींद सोने वाले वो डीसी और एसपी कल सुबह का सूरज देखने के लिए जिंदा नहीं बचने चाहिए। जल्दबाजी करना ठीक नहीं है भैया। हमने अब तक गलती करने वालों को ही मारा पीटा है, उन्हें सजा दी है। मैंने कौन सी गलती की जिससे मुझे ये सजा मिली? अपनी ताकत क्या है उन्हें बताकर उन्हें इस शहर छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। उन दोनों पे तुम इतना रहम क्यों दिखा रहे हो? जिस लड़की से तूने प्यार किया वो विधवा हो जाएगी, इसलिए ना? इस अन्ना के एक इशारे पर तू जान लेने के लिए तैयार रहता था। मेरे पलक झपकने से पहले तू दुश्मन का सर उड़ा देता था, लेकिन आज तुझे क्या हो गया है? तेरे बारे में तुझसे ज्यादा ये अन्ना दादा जानता है। तू उस डीसी के बाप से कभी कभी मिलता है, ये बात ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों के बीच में अन्ना, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? ये दुनिया, ये शहर, ये दोस्त, ये सारे रिश्ते नाते कुछ नहीं है मेरे लिए। अगर मेरी मां भी मेरे सामने आकर खड़ी हो जाए तो मैं आपको ही चुनूंगा अन्ना। मैंने उस दिन भी यही कहा था, आज भी यही कह रहा हूं। ये शरीर धरती मां के लिए है और ये सांसें सिर्फ आपके लिए है अन्ना। अगर ऐसा है तो उस अर्जुन को खत्म करते। ये मुझसे नहीं होगा भैया। क्यों नहीं होगा भैया? लेकिन क्यों, क्यों नहीं होगा? मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है। अर्जुन की मां ही मेरी मां है और मैंने अपनी मां से वादा किया है कि हमारी वजह से अर्जुन को कुछ नहीं होगा। ये पेपर्स इमीडिएटली चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में भिजवा दीजिए। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। यस। आपके ट्रांसफर होने से पहले अन्ना और सूर्या दोनों नहीं बचेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं सर? कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जिसे अनदेखा करना चाहिए, कांटे को कांटे से ही निकालना चाहिए। यू मीन नरसिम्हा? हाँ सर, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो लोग आपस में ही लड़कर मर जाएंगे, हमें बस तमाशा देखना चाहिए। उसके बाद उनमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा? बात बिल्कुल साफ है सर, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, अन्ना और सूर्या खत्म हो जाएं, यही हमारा मकसद है। ऐसा मत कर अर्जुन, मत कर बेटा, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ। माँ, ये क्या हो गया है तुझे? तू और मेरे पैर पड़ रही है? छे, ये सब क्या है माँ? सूर्य और कोई नहीं बेटा, मेरे अपने औलाद है। ये तू क्या कह रही है? सूर्य को कुछ मत करना अर्जुन, उसे छोड़ दे बेटा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। तूने देखा गौरी, देखा मेरे भाई को? अपने लोग हैं ये जानते हुए उन सब को छोड़कर यहां मेरे साथ खड़ा है। अच्छा सूर्या, उनसे तेरा खून का रिश्ता है ये जानते हुए भी तू उनके खिलाफ खड़ा हो गया, ऐसा किस लिए सूर्या? आपके लिए अन्ना। जहां एक अनाथ का कोई वजूद कोई दर्जा नहीं होता, वहां मेरे सर पर हाथ रखने वाले भगवान हैं आप। सूर्या तेरा बेटा है क्या मां? मेरा भाई है वो? हाँ बेटा, ये सच है, तुम्हारे कारण उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सूर्या, अर्जुन अगर तेरा भाई है तो वो मेरा भी भाई हुआ, वो मेरे अपने है कहकर मुझे पराया मत करना सूर्या। मां तू डर मत मां, कानून को तोड़े बगैर मेरा भाई मुझसे दूर ना हो ये ध्यान में रखते हुए मैं उसे बचाऊंगा, मेरा तुझसे ये वादा है।
मनोहर। हाँ। हेलो। एसपी बोल रहा हूँ। कौन? सूर्य और अन्ना को कुछ मत करना। हाँ एक मिनट रुकिए पापा। एसपी लाइन पे है। क्या कहता है? अन्ना और सूर्य को कुछ मत करो कह रहा है। सर डैडी यहाँ नहीं है, बाहर गए हैं। मेरे साथ चलो सूर्या। अर्जुन 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 अर्जुन, आज मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। सूर्या का परिवार मेरे परिवार जैसा है, इसलिए तुम्हारे सामने हम सब सरेंडर करने आए हैं। सूर्या भैया, आपको कुछ तो नहीं हुआ ना? सूर्या 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 भैया, माँ माँ, आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। माँ, तेरी गोद में मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। आज बहुत सालों बाद मुझे मौका मिला है। माँ, मेरे लिए इतना ही बहुत है। माँ, अपना साथ यही तक था। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। माँ 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 सूर्या, मेरा बच्चा। Thank you.
को मार के तूने अच्छा नहीं किया। जो घिनौना अपराध किया है उसकी माफी नहीं, उसकी सजा तेरी मौत। यह शरीर धरती मां के लिए है और ये सांसें सिर्फ आपके लिए है अन्ना। सॉरी सर, अन्ना पर जितने भी केसेस हैं उसके हमारे पास कोई सबूत नहीं। इंसान को भूख लगने पर उसके लिए रोटी जितनी जरूरी है, वैसे ही गरीबों की सेवा के लिए अन्ना उतने ही जरूरी हैं। आपके आशीर्वाद से सारे लोग हमेशा खुश रहें, ऐसा मैं चाहता हूँ।